कंसंट्रेट। मगध का कौन सा सम्राट अपने आप को अपोर परशुराम के नाम से जानता था? याद रखना, अपने आप को अपोर परशुराम महापद्मनंद कहता था। ये अपने आप को दूसरा परशुराम भी कहता था। क्या कहता था? दूसरा परशुराम भी ये अपने आप को कहता था। उसके अलावा एक बात और याद रखना, ये व्यक्ति अपने आप को क्षत्रियांतक, क्षत्रियों का अंत करने वाला भी कहता था। ठीक है ना, क्षत्रियांतक। अगला, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? मतलब राष्ट्रकूट वंश का सबसे बड़ा योगदान हिस्ट्री में क्या है? कैलाश मंदिर, कन्नड़ काव्य के तीन कवि पंप, पोन और रन और कैलाश मंदिर, या फिर जैनवाद का संरक्षण, या फिर विजय? राष्ट्रकूटों का सबसे बड़ा उपलब्धि माना जाता है कैलाश मंदिर का निर्माण। कितनी बार एग्जाम में पूछता है कि वह कौन सा राजवंश था जिसने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो मेरे भाई आंसर है राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? याद रखना, वैसे तो आपके सिविल सर्विसेज की शुरुआत कार्नवालिस से की, लेकिन दोस्त आपके 31 अक्टूबर को जिनका हम लोग याद करते हैं, सम्मान में रहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल या भारत के बिस्मार्क, उन्होंने इंडियन पुलिस सर्विसेज को शुरू किया था, और बात उसी से कुछ रिलेटेड है तो मैंने उन्हें याद कर लिया। इसका आंसर मेरे भाई आपके पास संसद। संसद में भी अखिल भारतीय सेवा किसके पास रहती है? राज्यसभा। आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 से लेकर के 315 सारे के सारे राइट राज्यसभा के पास होते हैं, लोकसभा के पास इसमें कुछ भी नहीं है। अगला, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? आज क्वेश्चन 300 प्लस हैं और आने वाले 2 घंटे आपको अपने करियर के लिए समर्पित करना है, पूरी ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो सर 1956 में फजल अली आयोग बनी थी। ठीक है ना, फजल अली आयोग। अगला, निम्नलिखित में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है? ऐसे क्वेश्चन जब आवे तो ये किसी सब्जेक्ट के मोहताज नहीं होते हैं, ये आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के मोहताज होते हैं कि आपको सामाजिक ज्ञान कितना है, और हम भारतीयों से अच्छा सामाजिक ज्ञान और जुगाड़ टेक्नोलॉजी किसके पास मौजूद है। तो इसका क्या आंसर होगा? आर्थिक समस्या नहीं है। अरे यार, आपको काम करना है कि आपको फुर्सत में बैठे रहना है, ये कोई आर्थिक समस्या लग रही है? तब तो सर ए ऑप्शन। आपके पास ऑप्शन हो कि भैया नौकरी करोगे, हाथ जोड़ रहा हो, नौकरी कर लो। एक लोग कर रहे हैं, गुरु चाहो तो फुर्सत में बैठो। तो हम तो कहेंगे फुर्सत में बैठा के दूध थरिया हमको खिला दो, आ कहीं पिक्चर उच्चर दिखा दो, पार्टी वोटी करा दो, का खाक हम नौकरी करेंगे। तो इसका क्या आंसर है? ए ऑप्शन। एनआरआई विदेशी दिवस, समझ रहे हो ना, एनआरआई या प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? उसी दिन मनाया जाता है सर जब 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से पहली बार भारत के लिए कन्फर्म रूप से आ गए थे, 9 जनवरी। अगला, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? मतलब भारत के राष्ट्रपति के पास इसमें से कौन सा पावर है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना, वित्तीय आपातकाल घोषित करना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, या प्रधानमंत्री की नियुक्ति? याद रखना, अब बहुत क्लोज क्लोज ऑप्शन है, पढ़ने में ऐसा महसूस होगा कि सब सही लग रहे हैं, सब गलत लग रहे हैं। इसका राइट आंसर मेरे भाई डी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, इसमें उसके पास विवेकाधिकार है। ठीक है, अगला, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया? ठीक है ना, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष। एक आग लोग हैं जो कह रहे हैं रिकॉर्डेड ना, उनको तुम लोग कहो कि हाँ ठीक है रिकॉर्डेड है, तू भैया अपने घर जा और हम लोगों को आशुतोष सर के साथ पढ़ने दो। ठीक है ना, ऐसे एक आग बीच में कहां से आ जाते, खोज के मैं बाहर करूंगा। ठीक है ना, एक आग लोग हो जाते हैं तो यहाँ क्या कर रहा है तू जा। हाँ बहुत बढ़िया, अंकित तिवारी ने डांट लगाई है। ठीक है ना वाले, निकल जाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे यार तुम लोग मेहनत करो दोस्त, तुम लोग मेहनत करो, तुम लोग को तो पता है ना कि रिकॉर्डेड चल रहा है कि क्या चल रहा है, धुआं उड़ा दो आज के क्वेश्चन में। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? ठीक है, तो स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था टीपू सुल्तान ने। याद है, ये वही टीपू सुल्तान है। अच्छा, एक बार पेपर में पूछा था ये स्वतंत्रता का वृक्ष किसके दोस्ती में लगाया था, तो फ्रांसिसियो से दोस्ती हुई थी, इन्हीं का एक क्लब हुआ करता था, और जिस क्लब का नाम क्या हुआ करता था, जैकोबियन क्लब, उसी में ये लगा था। ठीक है ना, याद रहेगा ना। ठीक है ना, अरे कृष्णा यादव कोई नहीं बोला था भैया पढ़ लो। ठीक है ना,
पढ़ लो अगला। दारा सिको ने किस सिख गुरु को मुगल सहजादियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट है, दारा सिको ने किस सिख गुरु को मुगल, ये दारा सिको औरंगजेब का भाई हुआ करता था, सबसे बड़ा भाई, शाहजहां का लड़का, याद रखना दारा सिको को दोस्तों हम लोग लघु अकबर भी कहते हैं, और एक बात और याद रखना, दारा सिको को हम लोग शाह बुलंद इकबाल भी कहते हैं। क्वेश्चन का आप आंसर करिए, मैं तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, शाह बुलंद इकबाल राइट आंसर है मेरे भाई, बी हर हराए। अगला, बंगाल का कौन सा नवाब अपनी न्यायप्रियता हेतु प्रसिद्ध था? हम लोगों ने तो सिर्फ मुगल में एक लोग को पढ़ा कि सर मुगल में जहांगीर अपने न्यायप्रियता के लिए फेमस था, इसी को पढ़े हो ना, लेकिन मेरे भाई ए ऑप्शन सुजाउद्दीन, ठीक है ना, यह सिराजुद्दौला वही है जिसने 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा था, ठीक है ना। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषित कर सकता है? सर आपात स्थिति आर्टिकल 352, 356 और 360 है, सही है, रिवीजन राउंड सही चल रहा है। अगला क्वेश्चन, चीनी के घोल को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किसका उदाहरण है? मैंने कहा ना आज के सेशन में आपको साइंस हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी स्टैटिक सब कुछ मिलेगा, बस यार थोड़ा शेयर करते हुए सेशन को आगे लेके चलना है, ठीक है ना। तो चीनी के घोल को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन या फिर किण्वन। अगला क्वेश्चन, यूएन महासचिव का कार्यकाल होता है, जो यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं उनका कार्यकाल के, जैसे इस समय कौन है, एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के एक्स प्राइम मिनिस्टर, तो उनका कार्यकाल होगा मेरे भाई 5 वर्ष। अच्छा, यहां पे 2-3 फिक्स क्वेश्चन हैं, जैसे यूएन महासचिव प्रथम कौन था बताइएगा, यूएन के प्रथम महासचिव कौन थे, और सबसे इंपॉर्टेंट किस देश से थे, आप उनका नाम मत बताओ, आप उनका देश बताओ, किस देश से हुआ करते थे। नहीं नहीं, नाम नाम की जरूरत नहीं है, नहीं 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 नाम की जरूरत नहीं है। तो प्रथम महासचिव हुआ करते थे त्रिगवे ली, ठीक है, त्रिगवे ली, और देश हुआ करता था सर उनका नॉर्वे, नॉर्वे से हुआ करता। अगला, किस वर्ष मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके पेपर में दिखेंगे, जो बहुत लंबे चौड़े नहीं होंगे, लेकिन वो ऐसे जरूर होंगे जो आपकी पूरी क्षमता का एनालिसिस करवा दे। तो इसका राइट आंसर है मेरे भाई 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोमेल रस कपूर होता है, क्या होता है, लेड क्लोराइड। अच्छा, केमिस्ट्री पे कम ध्यान दे रहे हो ना, 1 से 2 क्वेश्चन, हालांकि केमिस्ट्री उतना ज्यादा आता नहीं अगर ईमानदारी से कहूं तो, लेकिन यार वो फेमस वाली चीजें जरूर याद रखना मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसका आंसर है मर्क्यूरी क्लोराइड। अगला, नवीनीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षकता सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर है? करेंट अफेयर का क्वेश्चन भाई, आज के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं और धुआंधार हैं। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका, ठीक है ना। चीजों को नया करने में, ऐसे याद रखना ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाने में जो ऊर्जा लगती है वो अमेरिका के पास सबसे अच्छी है। बस अगला, यास चक्रवात आया था ना कुछ महीने पहले, और तब लोग पढ़ के भूल गए होंगे, आज वो क्वेश्चन के रूप में छलक करके सामने आ गया, यास चक्रवात ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया है, बताना मेरे दोस्त, यास चक्रवात ने किस देश को प्रभावित किया है, आंसर है मेरे भाई ए भारत को। इसीलिए ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन, गूगल ने किस शहर में फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है बताइएगा, गूगल ने किस शहर में फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है, उसका पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खुला है न्यूयॉर्क में। अगला, भारतीय सेना के INS राजपूत की डी कमीशन किया गया, यह क्या है जरा बताओ, यह एक ड्रोन है या INS राजपूत एक पनडुब्बी है या फिर एक रॉकेट का नाम है या फिर एक डिस्ट्रॉयर शिप है, बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। तो सर इसका आंसर है डी, ये एक डिस्ट्रॉयर शिप है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, समझ पा रहे हो, मतलब पूछना चाह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर जो बंदरगाह है या जिसको आप पोर्ट भी कह सकते हो, आप जरा ये करके दिखाओ। तो सर पोर्ट या फिर बंदरगाह या फिर डॉक यार्ड एकमात्र था लोथल। लोथल से 2 बातें जरूर याद रखना, लोथल को दोस्तों हम लोग मिनी हड़प्पा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मिनी हड़प्पा भी कहते हैं, या फिर मेरे भाई लोथल को हम लोग मिनी मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। अगर कभी आपसे पूछ दे मिनी हड़प्पा मिनी मोहनजोदड़ो किसे कहते हैं, तो लोथल को ही कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रीन पर से हट गया, स्क्रीनशॉट तुरंत ले लो, आज हिम्मत नहीं हारना है, जब तक कि यहां पे 200 क्वेश्चन ना लिख दे, 300 ना लिख दे, हिम्मत से काम लेना है।
एनर्जी तो मेरी जा रही होगी ना, इतनी तेज आवाज में ऊर्जा के साथ बोल रहा हूं। आपको तो दोस्त बैठ के बस आंसर करना है, पूरे मन से आंसर करना है। मानता हूं आपकी मानसिक क्षमता लग रही होगी, लेकिन दोस्त आंसर करो। कुतुब मीनार कहां है? सर जहां आप खड़े हैं ना, वहां से 3 किलोमीटर आगे एक मेट्रो स्टेशन है, उस मेट्रो स्टेशन से 7वां 6वां मेट्रो स्टेशन है कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन। वहां आपको सर एक ऑटो मिलेगी, ऑटो वाला आपसे 50 रुपया लेगा, और सर वहां से करीब 1.5 किलोमीटर है कुतुब मीनार। यही सर सही हम लोग ऑप्शन बताए ना, कि जहां आप खड़े हो वहां से कुछ किलोमीटर दूरी पे एक मेट्रो स्टेशन है, जिस मेट्रो स्टेशन का नाम है हुडा सिटी सेंटर। आप देख लो इतना अच्छा ऑप्शन कौन बताएगा। हुडा सिटी सेंटर मेट्रो जाइए, वहां से 6 मेट्रो स्टेशन और जाइए, फिर कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन आ जाएगा। ऑटो पकड़ लीजिए, 50 रुपया दीजिए, 1.5 किलोमीटर जाइए और कुतुब मीनार में पहुंच गए। तो इसका आंसर क्या है मेरे भाई? दिल्ली में। इसका मतलब मैं कहां मौजूद हूं? दिल्ली में मौजूद हूं, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन, हंसी मजाक से दूर अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता था? कई बार तुम लोगों ने जोधा अकबर एक मूवी देखा है, जिसमें आपके ऐश्वर्या राय जी और ऋतिक रोशन जी हैं, उसमें नहीं मौला मेरे मौला ऐसे करके एक सूफी गाना है ना, या गरीब नवाज ऐसे करके आता है कई बार। तो इसका आंसर क्या है? मोइनुद्दीन चिश्ती। जरा बताना मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां है? तो याद रखना मेरे दोस्त, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में पड़ती है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह नई दिल्ली पे पड़ती है, ठीक है ना, नई दिल्ली में पड़ती है। अगला, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? सर अकबर कभी कभी अपने आप को खुदा बनना चाहते थे और दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। अगला क्वेश्चन, नाजीवाद वर्ल्ड जियो हिस्ट्री का क्वेश्चन, तो नाजीवाद का संस्थापक कौन था? बहुत सोच समझ के आंसर करना। गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, मुसोलिनी या हिटलर? सर ना संस्थापक हुआ करता था हिटलर। अगला क्वेश्चन, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? बड़ा सोच समझ के आंसर करो यार, और आज तो संडे है, सुबह से कुछ नहीं पढ़े होगे इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब, ठीक है ना। तो भैया बताइएगा मसालों की रानी, वाह 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 वाह, बी ऑप्शन इलायची को। अच्छा, गरीबों का सेब किस फल को कहा जाता है? जरा ये बताओ, गरीबों का सेब किस फल को कहा जाता है, और फलों की रानी किस फल को कहा जाता है? फलों की रानी ये किस फल को कहा जाता है? अब जरा ये करके दिखाओ, फलों की रानी गरीबों का सेब। सर गरीबों का सेब अमरूद को कहा जाता है, ठीक है ना, किसको कहा जाता है? अमरूद, या फिर जिसको आप कहते हो ग्वावा, ठीक है ना, या फिर आप मध्य प्रदेश में इसको बिही भी कहते हैं। फलों की रानी सर लीची को कहा जाता है, ठीक है ना, फलों की रानी लीची को कहा जाता है, याद रहेगा सभी को। अगला क्वेश्चन, भारत में उत्तर से, अब देखो ऐसे क्वेश्चन पे हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन तुम लोग छोड़ दोगे क्योंकि सारी जम्मू कश्मीर की नदियां हैं और यहां पे होश उड़ गए होंगे, इनको कैसे संभाले। मैं आंसर कर दे रहा हूं, इसको तुम लोग देख लेना, ठीक है ना। वैसे भी अगर ये जम्मू कश्मीर लोग ना, तो सियोक सबसे ऊपर है, सतलज सबसे नीचे है इसमें, तो सियोक और सतलज ये लीजिए, ठीक है ना, ये चीजें, ये आपके सियोक नदी है, ये आपके झस्कर है, बीच में से सिंधु जाती है। अगला, नदियों का पश्चिम से पूर्व, मतलब कि यदि आप लोग पश्चिम दिशा इधर है और पूर्व दिशा इधर है, ये वेस्ट है ये ईस्ट है, अब जरा क्रम देखो, तो पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? यहां पे क्वेश्चन टफ हो रहा है, याद रखना, ए गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। अगला, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? अच्छा सर, हिमाचल प्रदेश से ब्यास, चेनाब, ब्यास रावी, केवल चेनाब रावी और सतलज, ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना, ना 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 ना, डी ऑप्शन, ब्यास भी बहती है, चेनाब भी बहती है, रावी भी बहती है, सतलज भी और यमुना भी, ये सब हिमाचल प्रदेश से बहने वाली नदियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दो, रिवर सिस्टम के क्वेश्चन आपके पेपर में एक जरूर रहेगा, मैंने 15-20 क्वेश्चन अरेंज किया है, चलो ठीक है। इन नदियों का दक्षिण से, दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापना करने पर सही क्रम क्या होगा? दक्षिण दिशा से सर इनका क्रम होगा 1 2 3 4, एकदम राइट क्रम है इनका, ठीक है। अगला, हंगरी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी हंगरी है? यहां पे कई लोगों का ऑप्शन गड़बड़ा रहा है जो मैं कमेंट में देख रहा हूं, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त बहुत सही सही जा रहे हो आप लोग, ठीक है ना, हंगरी सहायक नदी है सर, डी ऑप्शन, तुंग भद्रा की। अगला,
इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में मूलतः कहां होना था? एक बात जरा समझना, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, एक दो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिनका आपको ऑप्शन में आंसर ना पता हो, जैसे अभी अभी हुआ। लेकिन दोस्त वहां हिम्मत नहीं हारते, हिम्मत वो हारते हैं जो मन से हारे हुए होते हैं। हो सकता है दो क्वेश्चन के बाद ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको नंबर मिलने वाला हो, तो यार एक दो क्वेश्चन स्किप कर देना। यहां पे इसका राइट आंसर मेरे भाई बी, पूना में। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? सर आंसर तो बेहद इजी है, बेहद इजी क्या है, सरोजिनी नायडू। क्योंकि पूछा है भारतीय महिला ने, सिर्फ महिला पूछता तो एनी बेसेंट हो जाती है कि नहीं। अगला क्वेश्चन तेजपाल भवन संबंधित है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले आपने कभी ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। देखो समेश कह रहे हैं सर प्रश्न को जूम करिए, नहीं यार प्रश्न को जूम नहीं कर सकते क्योंकि वो सुविधा मेरे पास अवेलेबल नहीं है। आप इस पे सभी लोग तो दे रहे हैं यार आंसर, इसका राइट आंसर है सी, अपने मोबाइल की सेटिंग समेश आप सही कर लो। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? प्रथम सचिव सर जो उसका संस्थापक था उसको हम लोग शिमला का संत भी कहते हैं, उसको हम लोग एओ ह्यूम भी कहते हैं, इसको हम लोग और क्या कहते हैं, शिमला का संत, इसको और हम लोग क्या कहते हैं, शिमला का संत। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहा? मतलब वो अपने लाइफ में एक बार भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना। आप जरा ये करके बताइएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना तो सर ये कभी नहीं बना, एओ ह्यूम, ये हमेशा सचिव बना रहा। आपके अंबिका चरण मजूमदार 1916, महात्मा गांधी 1924, सरदार पटेल 1931, लेकिन एओ ह्यूम कभी नहीं बना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, भारत एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है, चलिए ठीक है, भारत एक प्रभुता संपन्न राज है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, कौन सा कथन सही है बताओ तो। तो सर इसका कथन चारों सही है, भारत में लोकतंत्र है ही, भारत प्रभुता संपन्न है ही, भारत में लोकतांत्रिक समाज है ही, भारत में कल्याणकारी राज्य है ही, ठीक है ना, तो इसका चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई और देखते हैं कि अगला क्या होगा। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड या ग्लेशियर अंटार्कटिका से टूट गया, उसका नाम क्या है बताइए, ये करंट अफेयर में चर्चा में है, लेकिन आपने कितनी पकड़ बनाई हुई है, अब जब कुछ दिन एग्जाम रह गया तो पीछे नहीं हटना है मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन से, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन A76। ये ऐसा नहीं लग रहा है AK-47 है, जैसे नहीं लग रहा है कि AK-47 लेकर के तुरंत पंकज त्रिपाठी मुन्ना भैया और गुड्डू भैया मिर्जापुर में आके कर का कर रहा है बे, ई का चल रहा है, गोली मार देंगे चचा, बस 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 सावधान, आनंद लो बस, ठीक है ना। चलो अगले पे आ जाते हैं, राजा राम मोहन राय की जयंती कब मनाई गई? कभी कभी हम भी भावनाओं में बह जाते हैं ना यार, देखो हैं तो हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जीवन का बड़ा मजा लेते हैं, समझ रहे हो ना। अलग की बात है कि अब तुम लोग के सर हो गए तो तुम लोग की इज्जत की खातिर, सम्मान की खातिर हम चुप हो जाते हैं, लेकिन अभी भी इस कोर्ट के अंदर एक इंजीनियर तो बसता है, और वो इंजीनियर कभी कभी जग जाता है, तुम लोग कमेंट में पकड़ लेते होगे, लेकिन उसके बाद वो इंजीनियर कहता है खामोश अंदर घुस जा बेटा, लेकिन कुछ मुंह से बोलना मत। कई बार तो ऐसा होता है कि यहाँ पे कुछ लोग कुछ कहते हैं तो मतलब मैं बोलता हूँ कि हो गया बेटा, तुम जितना शरीफ हमको समझ रहे हो उतना मैं हूं नहीं, लेकिन अब क्या बताऊं, मैं अपने हजारों छात्र का शिक्षक हो गया हूं, उनके सम्मान में शांत हो जाता हूं। नहीं तो हमारी गर्ल्स स्टूडेंट, हमारे बॉयज स्टूडेंट जानते हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, बस गुस्से में आके ब्लॉक लॉक कर लेता हूं और क्या करूंगा। खैर इसका क्या आंसर है मेरे भैया, बी 22 मई, राजा राम मोहन राय। इनका ना कब्र कहाँ है खूब पूछता है, इनका कब्र कहाँ है वो खूब पूछता है, तो इनकी कब्र दोस्त याद रखना इंग्लैंड में ब्रिस्टल के किनारे है, ब्रिस्टल नामक जगह पे है, और ब्रिस्टल जो है मेरे दोस्त एवन नदी के किनारे है, ठीक है ना, ये ब्रिस्टल स्थान है और एवन नदी का नाम है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ला लीगा टाइटल का संबंध किस खेल से? अब देखो हंसी मजाक से आगे, ठीक है ना, हंसी मजाक से आगे आ जाओ, ला लीगा का संबंध किस खेल से है, ठीक है, जरा बताओ ला लीगा, सर ला लीगा का संबंध है फुटबॉल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है बताना मेरे दोस्त भाई, आज आप लोग का साथ चाहिए, आज इस दिन भी जब
आप सभी लोग आराम कर रहे हैं, हम आप पढ़ रहे हैं, तो 10,000 बनता है कि नहीं? और वो 10,000 स्टूडेंट्स तभी पॉसिबल हैं, 20,000, 30,000, 1,00,000 जब आप शेयर करेंगे, ठीक है ना। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि क्या है कैसे है, सर इसका ऑप्शन है डी, इटली। अभी यही प्रधानमंत्री जी G20 की बैठक में गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद वो COP26 की बैठक में कहां जाएंगे? ग्लासगो जाएंगे, ठीक है ना। तो मोदी जी इस समय इटली, रोम और ग्लासगो स्कॉटलैंड की यात्रा पे हैं। किस भारतीय को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है, बताइएगा? किस भारतीय को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद का सदस्य? बी ऑप्शन, हिमंत विश्वास शर्मा, माननीय मुख्यमंत्री साहब, बताइए। अगला क्वेश्चन, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2000 आयोजन की किस शहर में किया जा रहा है, बताना मेरे दोस्त? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? बहुत बढ़िया सर, मेरा भी एक बार कमेंट देख लीजिए यार, अब इस लड़के का तो देखना पड़ेगा ना, बेचारे ने इतने उम्मीद से किया होगा, तो एक बार शैलेश पटेल, यार शैलेश, लेकिन यार आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी नाम लेने के लिए मजबूर मत करो, अभी बस चुपचाप पढ़ते रहो यार, 300 क्वेश्चन है, कैसे खत्म होगा, समझो बात को। इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 किसे सम्मानित किया गया है, बताओ जरा? इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021, मेरे भाई याद रखना, साजी एन एम को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगला, When is the millet crop harvest? बाजरे की फसल कब काटी जाती है? अब ये जो हमारे गांव के जुड़े बेसिक स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा बाजरे की फसल कब कटेगी, हम लोग तो बस पढ़ते आए गुरुजी मक्के दा साग, हाँ मक्के दी रोटी बाजरे का साग, कुछ ऐसा है ना, नहीं बाजरे की रोटी सरसों दा साग, ये है ना, बाजरे दी रोटी सरसों दा साग, अब आ गया जाड़े का दिन, अब खाइए, और इसका आंसर है अक्टूबर, मतलब इसी समय कट रहा है, तो बाजरे की रोटी अब बनवा लो और सरसों का साग, पिक्चर टीवी में खूब आता है कि ये खाना है, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? भगवान कसम खा के बता रहा हूं, आज तक मुझे कभी भी रबी की फसल और खरीफ की फसल समझ में ही नहीं आया, रट के बस बैठा रहता हूं कि कौन सी रबी की है, कौन सी खरीफ की है। और ये क्वेश्चन अगर मेरे क्वेश्चन पेपर में आ जाता है ना, तो मेरा तो वो कहते हैं ना कि एकदम, मतलब क्या शब्द का उपयोग करूं, कोई शब्द ही नहीं है, हटाओ इसको। तो आपके इसका आंसर है मक्का, ठीक है ना, जबकि गेहूं किसकी फसल है सर? रबी की। चना किसकी है? रबी की। सरसों किसकी है? रबी की। मक्का किसकी है? खरीफ की। चावल किसका है? खरीफ का। अगला क्वेश्चन, ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं? ये मजेदार क्वेश्चन है, ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं, बताओ जरा दोस्तों, ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं सर? आपको एक बात बताना चाहता हूं, ऊंट गाड़ी में एक ही तो ऊंट होता है। अच्छा, ऊंट गाड़ी पे कितने लोग बैठे हो, ठीक है ना, ऊंट गाड़ी पे कितने लोग बैठे हो ये बता दो, बताओ जरा। खैर मुझे, मैं बैठा हूं, मैं एक बार अजमेर गया था तो वहां पे ऊंट को दौड़ाते हैं, तो वो मेरे को बैठाए और वो ले जाके मेरे को दिखाए, सर वो वाली बिल्डिंग दूर देख रहे हो, मैंने कहा हाँ, कह इसी बिल्डिंग में करण अर्जुन की शूटिंग हुई, हम कहे वाह भैया मजा ही ला दिए तुम तो, करण अर्जुन की शूटिंग दिखा दिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर रट लेना, नहीं आता तो स्क्रीन शॉट ले लेना, 5 बार का आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस्ड विंडो, ठीक है ना, क्रॉस्ड विंडो। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, जरा ये करके दिखाओ, ठीक है ना, राजस्थान वाले भाई लोग बैठे होंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर मेरे भैया बी, 1885। अगला, भारतीय संविधान में शामिल DPSP जो नीति निदेशक सिद्धांत है, किस संविधान, मतलब जो पार्ट 4 में DPSP नहीं है, वो किस देश की संविधान से लिया गया है? और जितने दोस्त मेरे नए जुड़ते जा रहे हैं, मैं बता दूं कि आज 300 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस चल रहा है यहां पे, और मुझे उम्मीद है अगर तुम लोग साथ दे दोगे तो 1.5-2 घंटे में सब निपटा दूंगा, आधा घंटा खत्म हो चुका है। संकेत, जैसे आप कार वार चलाते हो, संकेत इसका क्या सूचक है, रोड पतली है या आगे कोई पुल है या फिर रेलवे क्रॉसिंग है या नन ऑफ दीज, अगर आप चल रहे हो और आपको ऐसे मिले तो इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब होता है कि आगे कोई नदी का पुल है, ठीक है ना, नदी का पुल है जहां से गाड़ी गुजरेगी, ये गुजर गई,
समझ रहे हो, गुजार दिया गाड़ी को। अगला क्वेश्चन, मेघदूत का लेखक कौन है? भैया मेघदूत नहीं, यमदूत बन गया है जब से ये क्वेश्चन कई बार आया है। सर मेघदूत कहाँ है? कालिदास, ये कालिदास जी मेघदूत। रघुवंशम, विक्रमोवर्षीयम, मालविकाग्निमित्रम और कुमार संभवम। अच्छा कालिदास जी ना, ईमानदारी से बता रहा हूं, मैक्सिमम इनकी किताबें लड़के और लड़की के प्रेम संबंधों पर लिखी गई हैं। ये संभव है, आप उठा के इनकी किताब देख लेना, विक्रमोवर्षीयम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे किताब है, कुमार संभवम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो कार्तिकेय जन्म वगैरह का है, और आपके मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम। अगर इन्होंने अपने लाइफ में 100% किताबें लिखी तो 60% किताब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे है, तुम उठा के देख लेना, मतलब प्रेम पे है, लव पे है। लेकिन अगर ये लिख दिए तो भैया बड़े अच्छे राइटर, यही तुम लोग लिख दोगे तो कहे जाओगे बस यही समय मिला है ना, यही लड़की लड़का लिखो अब तुम। और ये लिख दिए तो राइटर, संस्कृत के मूर्धन्य कवि, हम लिख दें अपने भोजपुरी में टूटी फूटी लैंग्वेज या अंग्रेजी में तो लोग कहेंगे कितना नालायक आदमी है यार। लेकिन हो गया, आप क्या कहा जाए। लेकिन तुम लोग ये बात मैच जरूर कराना कि इनकी किताबें किस टॉपिक पे लिखी हुई हैं, ठीक है ना। एक दो किताबों को छोड़ देना तो फिर मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, रीजन बिहाइंड दैट। नेक्स्ट, यहूदियों का धार्मिक पाठ का नाम क्या है बताओ जरा, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? सर यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम, सर आपके जैन, अवेस्ता और मूसा, इन्हीं दो में से एक ऑप्शन है, जरूर जाकर के बताना कि क्या है, ठीक है ना। वैसे जैन अवेस्ता। अगला, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है। अच्छा एक क्वेश्चन आया था कार्ल सगन, कार्ल सगन कौन है? तो कार्ल सगन दोस्त यूएसए के बहुत बड़े चिंतक हैं, जबकि कार्ल मार्क्स क्या है? कार्ल मार्क्स जर्मनी के बहुत बड़े चिंतक हैं, और इन्होंने दास कैपिटल लिखा है और नारा दिया था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? भाई देखो तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, बहुत हैंडसम और झकास लग रहे हैं। अच्छा एक लोग लिख रहे हैं कि सर आज भी हमेशा की तरह बहुत हैंडसम और झकास लग रहे हैं। नहीं यार, अब बुढ़ौती आ गई हमारी, समझ रहे हो ना, अब तुम लोग युवा हो और हम आपके बुजुर्ग टीचर हो चुके हैं एसएससी अड्डा पे। तुम देख लो, चाहे अतुल सर हो, चाहे अक्षय सर हो, अमित सर हो, मतलब हम बुजुर्ग हो चुके हैं, उन लोग से पहले के हैं। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाते हैं ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको कौन पढ़ाता है? तो आशुतोष सर। और जो व्यक्ति इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित हो वो क्या हो जाएगा, उसको तो आप बुजुर्ग ही कहोगे ना। अतुल सर हमको बहुत चिढ़ाते, हो सकता है इस समय वो लेक्चर भी देख रहे हो, तो अतुल तुम कहते हो कि नहीं कि आदरणीय आशुतोष सर, वो आदरणीय इसलिए कहते हैं कि एक्चुअली वो कहना चाहते हैं बुजुर्ग आशुतोष सर। ठीक है अतुल तुम चिढ़ा लो मेरे दोस्त, लेकिन बदला लिया जाएगा, वो भाई का बाप का फैजल लेगा तेरा बदला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ठीक है सर शादी कब करोगे? एक लोग लिख रहे हैं शादी कब करोगे, जब करवा दो यार, अभी 7:30-8 बजे खाली हैं, एक घंटे बाद शादी करवा दो, ये सारे मेरे दोस्त बाराती बनने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। एक 1.5 घंटे में सेट करो कहीं मामला, तुम लेक्चर छोड़ के जाओ। नहीं नहीं यार, एक लोग को लेक्चर छोड़ के जाने दो, उस शादी सेट करवा देंगे हमारी। निकलो निकलो दोस्त, तुम निकलो शादी सेट करवाओ, और देखो दो चार लोग बैंड खाना पीना और व्यवस्था करो, हम कोट वोट एकदम पहन ले, थोड़ा सा मुंह धुल के इसी से पोछ पाछ के एकदम रुमाल से मुंह पोछ लें, क्या पता वो कह दे कि लड़की वाले देखने आने वाले हैं, रुको ये लो, ठीक है हो गया ना। अब जाओ शादी सेट करवाओ हमारी, तुरंत तुरंत निकलो, मजा आ जाएगा, हम एकदम रुमाल से मुंह पोछ करके एकदम रेडी हैं, और तुम लोग बाराती बनने के लिए रेडी हो जाओ, समझ रहो, और बैंड वैंड का इंतजाम करो, नहीं तो यहीं पे बजा दे थोड़ा सा, समझ रहो ना, ये बज गया बैंड, ठीक है अब चलो। हम कभी कभी जब मूड में होते हैं तो बहुत ज्यादा मूड में होते हैं, आज हमको छोड़ो मत, बस मतलब छेड़ो मत, चुपचाप पढ़ते रहो, यही सब कुछ है। अगला क्वेश्चन, का आंसर है भैया इंदिरा गांधी, भैया भारत की प्रधानमंत्री थी तो इनको तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी अवार्ड? अब हंसी मजाक हो गया, अब थोड़ा सा पढ़ाई पे आ जाओ। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बी ऑप्शन संगीत के। किसके शासन काल में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी? दोस्त तुलसीदास थे आपके अकबर के शासन काल में, लेकिन सूरदास किसके में थे? तो जहांगीर के शासन काल में। अगला, स्टेप शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? सर स्टेप्स हुआ, और आपके वेल्ड हुआ, और आपके क्या कहा जाता है सवाना हुआ, ये सब क्या है? सर ये सब घास स्थल के नाम है, जो कि कोई अफ्रीका में, कोई यूरोप में, कोई भारत में, कोई इंग्लैंड में, कोई जर्मनी में पाए जाते हैं। अगला,
फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? बताइएगा, फोटोग्राफी में सामान्यतः हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो मेरे भाई, हाइपो का रासायनिक नाम है ए ऑप्शन, सोडियम थायोसल्फेट। अगला, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? बताइएगा, मतलब अगर देखो ना समझ में आए तो, फॉर व्हाट रीजन डज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज एट हाई एल्टीट्यूड? तो पानी का दबाव क्यों घट जाता है? क्योंकि सर उसका निम्न वायुमंडलीय प्रेशर के कारण, ठीक है ना, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण। अगला, किसने अरे साला क्या बवाल है यार, 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है, ठीक है ना, गौरव सर का लाडला एक लिख रहे हैं, सर लव यू सर, आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। दोस्त तुम चैनल पे नहीं आते होगे, नहीं तो डेली शाम को 7 से 8 और सुबह 8 से 9 करेंट अफेयर पढ़ाते हुए हम मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो 26 बार यार मतलब हिला ही दिया इस व्यक्ति ने, वाल्ट डिज्नी, ठीक है, वाल्ट डिज्नी। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? देखो, हिम्मत मत हारो, आज बहुत तेजी से पढ़ो, ठीक है ना, रिवीजन करो, क्योंकि देख लेना अब आपका एग्जाम बेहद करीब है, और आपको मैं बता दूं कि वो आपके लिए बहुत जरूरी है, लाइफ चेंजिंग डिसीजन है। जयपुर की स्थापना राजा जयसिंह द्वारा कब की गई थी? बताओ जरा, जयपुर की स्थापना राजा जयसिंह के द्वारा, तो राजा जयसिंह के द्वारा 1725 ईस्वी में। अगला, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? अलाउद्दीन खिलजी का वो कौन सा सेनापति था जो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मर गया? सर उसका आंसर है जफर खां, ठीक है ना, जफर सुपारी। अगला, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां स्थित है? बताइएगा, महारानी लक्ष्मीबाई, इन्हीं को हम लोग मनु कहते हैं, इन्हीं को हम लोग मणिकर्णिका कहते हैं, इन्हीं को हम लोग छबीली कहते हैं, और ये लोकल गर्ल हुआ करती थी बनारस की, इनकी शादी हुई थी झांसी में, ठीक है ना, इनकी शादी हुई थी झांसी में, और राइट आंसर है मेरे भाई डी, ग्वालियर। अगला, ऋगुवेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया है? मैं जब जब ऋगुवेद अपने पेड बैच में पढ़ाया हूं, तो मैंने अपने हर स्टूडेंट को कहा है कि देखो ऋगुवेद में 10 मंडल हैं, 3rd मंडल, 7th मंडल, 9th मंडल और 10th मंडल, आपसे एग्जाम में पूछता है। 3rd मंडल में मेरे भाई गायत्री मंत्र है, कई बार पूछेगा गायत्री मंत्र किसमें है 3rd मंडल में, लिखा किसने है विश्वामित्र ने, विश्वामित्र ने, समर्पित किसको है सवित नाम के देवता को, ये वही समित हैं जिन्हें आप वर्तमान में सूर्य देव कहते हो, एक ये क्वेश्चन कंफर्म पूछता है। दूसरा पूछेगा 10 राग युद्ध, 10 राग युद्ध ऋगुवेद में आपके परुषणी नदी के किनारे या रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, ठीक है ना, रावी नदी या परुषणी नदी के। 9वें मंडल में मेरे भाई सोम और सोम रस का वर्णन है, यह भी कई बार आपसे पूछेगा। और 10वें मंडल में मेरे भाई वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसका वर्णन मिलता है 10वें मंडल में। आपको मैं बता दूं कि यह क्वेश्चन आपसे कई बार पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या है, रावी नदी का प्राचीन नाम परुषणी नदी, वहीं लड़ा गया था 10 राग युद्ध राजा विश्वाम राजा सुदास और विश्वामित्र के बीच में। अगला क्वेश्चन, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? बताइएगा, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, कौन सा मकबरा है जिसे ताजमहल की गंदी नकल कहा जाता है? तो सर वो आपका मकबरा है रबिया उद दौरानी का मकबरा। ये कौन थी सर? ये औरंगजेब की वाइफ थी, जबकि एतमादुद्दौला के मकबरा को भी मिनी ताजमहल का संज्ञा दिया जाता है। और ताजमहल की गंदी नकल किसको कहते हैं? बीबी के मकबरा को, या रबिया उद दौरानी के मकबरा को, या औरंगाबाद के मकबरा को, औरंगाबाद महाराष्ट्र, महेंद्र सिंह धोनी मूवी में दिखाया हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? आपको मैं बता दूं, वो जो पहला सुल्तान था दोस्त, उसके समय को इतिहास का सबसे भ्रष्ट काल भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि सल्तनत काल का सबसे भ्रष्ट काल किसे कहा जाता है, तो रिमेंबर दैट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। सबसे ज्यादा अमीर शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। सबसे ज्यादा नौकर किस शासक के पास थे? तो फिरोज शाह तुगलक। सबसे ज्यादा भ्रष्ट शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक।
किसने उस समय के लिए एक घड़ी का निर्माण करवाया था, भले डिजिटल नहीं थी, जिसका नाम था ताश घड़ियाल। ये क्या था सर? मेरे भाई ताश घड़ियाल एक वॉच का नाम था, एक घड़ी का नाम था जो सूर्य की परछाई से चलती थी, उसे भी फिरोज तुगलक ने। आज आपका जो पेंशन विभाग है, रोजगार विभाग है, निर्माण विभाग है, वो सब बनवाया था फिरोज तुगलक ने, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे सिपाही था, मंगल पांडे जी जिनका फेमस नारा क्या था, मारो फिरंगी को, ठीक है ना, मारो फिरंगी को, ये इनका फेमस नारा हुआ करता था, फिरंगी को। ये मंगल पांडे जी आपके 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही हुआ करते थे। अगला, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बताइएगा। यार मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद देख लो लाइव और लाइक में लाइक की कितनी कमी है, शेयर आप करना रोक दिए हो, मेरा आपसे रिक्वेस्ट, ये एनर्जी आज के दिन क्यों लगा रहा हूं कि आपको यह लगे कि आशुतोष सर ने मैदान नहीं छोड़ा है, समझ रहे हो ना। तो यार मतलब अबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था, बताना जरा, तो सर ए पुल का युद्ध, ठीक है, सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। तो सर, सर ए पुल कौन सी उपाधि ली थी, वो बात भी जरूर याद रखना, वो उपाधि थी पादशाह। कई लोग सोचेंगे सर बादशाह, नहीं दोस्त, जब वो भारत में आया तब उसने उपाधि ली थी बादशाह की, नहीं तो उससे पहले उसकी उपाधि पादशाह की थी। अगला, बी ऑप्शन, तुजुक है बाबे, तो 5 सेकंड में आंसर, नहीं याद है तो मैं आपको 20 सेकंड भी दे दूं, 20 मिनट भी दे दूं, और यहां बहुत धीमे धीमे पढ़ाऊं, आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई, तुर्की में, ठीक है ना, तुर्की में। अगला, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मार्ग मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था, बताइएगा, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, दादा भाई नरौजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की, तो मेरे भाई याद रखिएगा, बी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने सिकंदर एहसानी, सुन लो, इसे जनता का चरवाहा भी कहा जाता है, युग का विजेता भी कहा जाता है, विश्व के सुल्तानों का सुल्तान भी कहा जाता है, और अपने युग का मोती भी कहा जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी तो कहा ही कहा जाता है। अगला, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा घोषित किया गया, वाह क्या क्वेश्चन है, बताइएगा। मातेतमा, डोंट थिंक इतना डीप आएगा, अरे यार एक दो क्वेश्चन टफ हो जाता है तो एक लोग अंग्रेजी लिख रहे हैं, डोंट थिंक इतना टफ आएगा, जब दो ठो टफ पूछ देगा ना तो लंका लग जाएगी दोस्त, समझ रहे हो ना, हलवा नहीं आएगा, उसको भी पता है कि कितने लड़के फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता हूं कि बड़ा यूपीएससी का पेपर तैयार हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपसे पूछ देगा गांधी जी किस देश के थे, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा, जाना तो पेपर देने, उस दिन सब हलवा पूरी लंगड़ा आम, जय सियाराम जय सियाराम, सब समझ में आ जाएगा, करके चले जाना, ठीक है। अगला, धर्मठ का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था, बताओ, धर्मठ का युद्ध निम्न में से, दो ठो क्वेश्चन आ जाए टफ ना तो लोग को याद आ जाता है, औरंगजेब और दारा सिको, औरंगजेब और दारा सिको के बीच में उत्तराधिकारी पद के लिए 3 युद्ध हुए थे और तीसरे युद्ध में दारा सिको मारा गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसे गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था। एक्चुअली गांधी इरविन समझौते को मेरे भाई, मेरे दोस्त, हम लोग दिल्ली समझौता भी कहते हैं, एक बात तो ये याद रखना, ये हुआ था मेरे भाई 1931 में, और इस समझौते को किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि ये एकमात्र सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्राम है, ठीक है ना। नेक्स्ट, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। सर, राणा सांगा लड़ा था 1527 में खानवा के युद्ध में, तो ये है आपका खानवा। पानीपत कब हुआ, तो 1526 में। खानवा कब हुआ, तो 1527 में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ, तो 1528 में। और घाघरा का युद्ध कब हुआ, तो 1529 में, या घग्घर का युद्ध, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगर आज सब लोग बने रहोगे तो एक ही क्लास में पूरी की पूरी मॉडर्न इंडिया दोहरवा दूंगा, मात्र 5 मिनट में, ये आप लोग मुझे जानते हो और जितने स्टूडेंट हो, वादा करता हूं कि आज पूरी मॉडर्न इंडिया, अगर हम लोग मैक्सिमम स्टूडेंट पे पहुंच गए, कै बजे तक, 7:15 तक,
15-20 मिनट बाद मैं आपकी पूरी मॉडर्न इंडिया दोहरवाने वाला हूं, रेडी रहिएगा। किसने सही सुरता उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? सर वो अशोक था। शुरू में तो खूब मारपीट किया था, उसके बाद कहा हम हो गए शरीफ, तो लो भैया ये है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित है? अभी एक हड़प्पा स्थल को भारत का यूनेस्को की तरफ से आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, जरा बताना वो कौन सा हड़प्पा स्थल था। करंट अफेयर में है, बताइएगा दोस्त, बताइएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर है यूनेस्को का धौलावीरा, ठीक है ना, वो आपका हड़प्पा का स्थल है धौलावीरा। और राइट आंसर क्या है मेरे भाई? सी, धौलावीरा, ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, क्योंकि अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको घोषित किया गया है। और ये एक और यहां से ये भी पूछ सकता है, खेल का मैदान कहां से प्राप्त हुआ था हड़प्पा के समय, या फिर मेरे दोस्त इसको स्टेडियम भी कह सकता है। तो खेल का मैदान या स्टेडियम धौलावीरा से प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था दोस्त? उत्तर बिहार का प्राचीन नाम है वज्जी। अगला, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? बताओ जरा, किस अभिलेख से ज्ञात होता है? सर ए ऑप्शन, भीतरी स्तंभ लेख से ज्ञात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक, मतलब वो भारत का तो राजा था लेकिन भारत के बाहर तक उसका कब्जा था? तो सर वो हुआ करता था कुषाण वंश, क्योंकि ये खुद चाइना से थे, तो ये चीन से होते हुए भारत आए थे और रेशम मार्ग पे इनका कब्जा हुआ करता था। ये मैं करा रहा हूं आपका रिवीजन, ये मैं करा रहा हूं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो जुटे रहो। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर है? सर निरंजना नदी पर साल वृक्ष के नीचे, अरे पीपल वृक्ष के नीचे, पूर्णिमा के दिन 35 दिन, आपके 35 वर्ष की आयु में किसको ज्ञान प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को, और उसके बाद उन्हें तथागत कहा गया था। तो ए ऑप्शन, गया नामक स्थान हो गया था बोध गया। सच कहा जाए सर तो इसे उरुवेला कहा गया है, ठीक है ना। अगला, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइएगा, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्त? अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन सी ऑप्शन, जैन धर्म है। अच्छा, कई बार मैंने पढ़ाया है बौद्ध धर्म के सिद्धांत को क्या कहते हैं, बौद्ध सिद्धांत को क्या कहा जाता है, और साथ ही साथ दोस्त जैन धर्म के सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं। आपको बौद्ध सिद्धांत और आपको जैन सिद्धांत बताना है, याद रखना। जैन धर्म के सिद्धांत को हम लोग सय्यदवाद कहते हैं, और बौद्ध धर्म के सिद्धांत को हम लोग कारणवाद, कारणवाद को मेरे भाई इसको प्रत्युत समुत्पाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्युत समुत्पाद भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? अब ये सब क्वेश्चन करके दिखाइए। देखो यार, पूरी एनर्जी लगा देता हूं आपको पढ़ाने में, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरे दोस्त लाइक और शेयर भी किया करें। 85वें क्वेश्चन पे आ गया हूं दोस्त, लेकिन संख्या लाइव स्टूडेंट्स की वही रुकी हुई है लगभग कुछ देर से। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, शेयर करो, और मन से शेयर करो यार, किसी का साथ दिया करो ना, तो ईमानदारी से दिया करो, नहीं तो मत दिया करो, समझ रहे हो दोस्त ना। तो यार आप सब अपने हो यार, आप लोग के कहने पे आज की क्लास रखवाया हूं, नहीं तो क्या जरूरत थी आज क्लास लेने की। आप लोग ने ही रिक्वेस्ट किया था, नहीं सर कल क्लास लो, तो आज लाइव आ गया, तो क्या इसके लिए कि आप साथ ना दो? तो मेरे दोस्त, जहां जहां आपकी रीच है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप प्लीज यहां लेक्चर के लिंक को शेयर कर दीजिए एक बार, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन चीजों में ट्रस्ट करता था या उसका रक्षक था? सर वो है आपके गौतमी पुत्र सत्कर्णी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? और मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूं, ठीक है ना, कि अगर हम लोग मैक्सिमम स्टूडेंट तक गए तो मात्र 5 मिनट के अंदर आपको पूरी मॉडर्न इंडिया दोहरवा दूंगा इसी क्लास में, ठीक है ना। शेयर करके आ जाओ, 5 मिनट पूरी मॉडर्न इंडिया। सर इसका आंसर है जस्टिस न्याय, अरे मीमांसा, ठीक है ना। इसका आंसर है सी ऑप्शन, दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत है या वेद द होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? सर डाइमेकस भारत आया था बिंदुसार, क्योंकि अशोक के शासनकाल में डियोनीसियस आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। कनिष्क के शासनकाल में कौन आया था, यह तुम लोग बताओ जरा, ठीक है ना, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन, भारतीय
भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? जैसे गौतम बुद्ध के जन्म को हम लोग कमल से दर्शाते हैं, युवावस्था को हम लोग आपके बुल से दर्शाते हैं, वृषभ से, उनके मृत्यु को स्तूप से, पद चिन्हों से, तो ज्ञान को पीपल के वृक्ष से, तो उनके मृग सहित चक्र को हम दर्शाते हैं प्रथम उपदेश को, जिसे आप कहते हो धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? मैंने कई बार बताया है, ठीक है ना यार, थकान हो जाती है। सच बताऊ ना, जब मैं इस तरीके से स्पीड के साथ बोलता हूं ना, तो एक लंबी चौड़ी थकान होती है। बट व्हाट कैन आई डू, मुझे तो पढ़ाना है, ठीक है ना। ऋग्वेद पर आधारित वेद है आपका बी ऑप्शन, सामवेद। ऋग्वेद के जितने मंत्र है सामवेद में उन्हीं को संगीतबद्ध कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, बताइएगा? पाटलिपुत्र की, सर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने, जो कि हर्यक वंश का तीसरा शासक था। सैयदवाद का सिद्धांत किस धर्म से, अभी अभी बात हुई थी सर, सैयदवाद का सिद्धांत जैन धर्म से। अगला, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? कनिष्क को हराने वाला एक ही चीनी जनरल हुआ करता था, पान चाऊ, जरूर याद रखना, चाय पानी करके इसने कनिष्क को हरा दिया था, जबकि कनिष्क कितना बड़ा शासक कोई हुआ नहीं, लेकिन फिर भी इसने कनिष्क को हरा दिया। अगला क्वेश्चन, किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, बताइएगा? किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? बौद्ध धर्म का पालना है सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस राज्य में हुआ था, बताइएगा? कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस के समय हुआ था, 78 एडी में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य में प्रमाण कहां से मिले हैं? तो सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके कोटट जी, ठीक है ना, कोटट जी। क्वेश्चन थोड़े से टफ क्या हो रहे हैं, लोगों के होश उड़ते जा रहे हैं। तो भैया देखो, कुछ क्वेश्चन तो टफ प्रैक्टिस कराऊंगा ही, सब आसान करा दूं तो काहे का टीचर जो सही मार्गदर्शन ना दे, कि जीडी के नाम पे, रेलवे के नाम पे, एसएससी के नाम पे सब आसान पढ़ा दूं। नहीं यार, ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन लेवल के होते हैं। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो क्या है? तो अशोक ने अपने आप को शिलालेखों में अक्सर जगह देव नाम प्रियदर्शी कहा है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सर पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसप ने, और खोजने में आपके टी पाथेंदलर ने 1750 में। तो आंसर है जेम्स प्रिंसप, ठीक है ना, सी ऑप्शन। अगला, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था, बताइएगा? कौन सा राजवंश, ठीक है ना, क्या आज सारी पलटन इधर ही है क्या? नहीं नहीं नहीं, सारी पलटन इधर नहीं है, अभी आपको शेयर करना बचा है, आप लोग अभी शेयर नहीं कर रहे हो इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई, सी, गुप्त, ठीक है ना, गुप्त। अगला, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है, बताइएगा? आयुर्वेद अथवा जीवन के विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है, डी ऑप्शन, अथर्ववेद। अगला, किसके किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक वक्तव्य गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? अब यहां पे 101वें क्वेश्चन पे आ गया हूं दोस्त, थोड़ा सा आप लोग शेयर कर लीजिए, जितने भी हमारे स्टूडेंट अवेलेबल हैं यार, कब से एक ही संख्या पे लाइव स्टूडेंट्स की संख्या रुकी हुई है, आप एक बार उसको देखिए तो स्क्रीन की तरफ, न लाइक की संख्या बढ़ रही है न लाइव की। और यार आज आपके कहने पे ये क्लास चल रही है, तो एक उम्मीद लेकर के आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, ठीक है ना। तो यार आपका भी उम्मीद पूरा हो, हमारा भी उम्मीद पूरा हो, इसलिए दोस्त एक बार थोड़ा सा साथ दीजिए। इसका आंसर है मेरे भाई सी ऑप्शन, जीवी मावलंकर, ठीक है। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहां की रानी थी, ठीक है ना, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहां की रानी थी? तो सर इसका आंसर है मांडला की। अकबर ने कई युद्ध किए हैं, महिलाओं के खिलाफ ये इसका प्रथम युद्ध है, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रपति को, अच्छा ये हम लोग अभी पढ़ाए थे, डी ऑप्शन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अगला, निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसे केंद्र और राज्य मिलकर के देखते हैं। समवर्ती सूची को दोस्त हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, जिसे आप इंग्लिश में कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। और याद रखिएगा सी ऑप्शन, स्टॉक मार्केट और फ्यूचर मार्केट, ये समवर्ती सूची नहीं केंद्र सूची है। अगला, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? भूकंप के कारण, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण, मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के कारण, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा, ठीक है ना।
बिल्कुल पीडीएफ वीडीएफ सब मिल जाएगा। और इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, बी ड्यू टू बर्निंग ऑफ पीपल इन द ट्रेन। गोधरा कांड बड़ा फेमस था गुजरात के, फेमस तो नहीं कहेंगे, दुखदाई था। अगला, अंतिम मुगल शासक कौन था बताइएगा। अंतिम मुगल शासक मेरे भाई, जो अंतिम मुगल शासक हुआ करता था 1857 की क्रांति में, बहादुर शाह जफर द्वितीय हुआ करता था, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर प्रथम, द्वितीय तो बहुत बाद में हुआ, ठीक है। अगला, अरे बहादुर शाह प्रथम पहले था फिर द्वितीय बाद में। बहादुर शाह प्रथम को हम लोग साहे बेखबर कहा करते थे, औरंगजेब का तुरंत का इमीडिएट लड़का। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, बहुत सोच समझ करके आंसर करिएगा, ठीक है ना। सती प्रथा का अंत सर्वाधिक विरोध किसने किया था, तो सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया था राजा राममोहन राय ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ऊन प्राप्त नहीं होता है बताइएगा। निम्नलिखित में से किसे ऊन प्राप्त नहीं होता है, सर सभी ऑप्शन को रीड कराइए। नहीं रोहन यादव, अभी यहां पे मैं बस प्रैक्टिस करवा रहा हूं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, यहां पे अभी मेरे डिटेल क्लास नहीं चल रही है, ठीक है ना। डिटेल क्लास नहीं चल रही कि मैं हर ऑप्शन को डिफाइन करूं, बाकी मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि मैं हर ऑप्शन के साथ हमेशा खेलता हूं। एड्स नहीं फैलता है हैविंग सेक्स यूजिंग इन्फेक्टेड ब्लड। अरे यार, आप किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करने से या टच करने से किसी को एड्स नहीं फैलता। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है, कभी आप डीडी का प्रयोग करते होगे तो डिमांड ड्राफ्ट को वो क्या कहते हैं, क्यों क्रॉस किया जाता है। सर डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस किया जाता है कि भुगतान बैंक के खाते द्वारा ही किया जा सके। अगला, पुष्कर मेला कहां लगता है, थोड़ा सा स्पीड कम कर दे रहा हूं, ठीक है सर। फिर एक, अरे आ गया ना, कोई बात नहीं ना, बबली बंटी जी आंसर करो, ठीक है ना। अच्छा पढ़ाते हैं कि जाने का दिन नहीं करता है, ठीक है ना। कृष्णेंदु दीक्षित जी धन्यवाद, पुष्कर मेला लगता है अजमेर में, ठीक है अजमेर में। अगला, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां हुई थी, ठीक है आजाद हिंद फौज की। और आज पूरा मॉडर्न इंडिया दोहरवाऊंगा, बस आप लोग धैर्य बनाए रखना, सी ऑप्शन सिंगापुर में। अगला, जंप बाल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है बताइएगा। जंप बाल शब्द किससे संबंधित है, बेसबॉल से, नेटबॉल से, बास्केटबॉल से या सॉफ्टबॉल से। आंसर है मेरे भाई सी ऑप्शन, आपके बास्केटबॉल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था। अब देखो थोड़ा सा स्पीड स्लो कर दिया हूं ना, अब तो आप इसका आंसर कर पाओगे। तो कारगिल युद्ध के समय परवेज मुशर्रफ कहां है, नवाज शरीफ, उसके बाद मुशर्रफ बना था। अगला, सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। सिल्क मार्ग पे कब्जा कुशाण वंश का था और रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है, ओक सबसे बेस्ट क्वालिटी का रेशम है। अगला, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, तो सर जो आप अपने, अगर आपके अगल बगल मैप लगा हो तुरंत अपनी निगाह घुमा दो और बताओ कि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्द, नीचे नहीं इंडिकेशन लगा होता है तो किस रंग से, सर ए ऑप्शन रेड कलर से, इसको रेड कलर से ही टिक मार दिया जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना। यस, अब अच्छा लग रहा है, अब बनी लल्लन टॉप बात। चलिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। सहरिया जनजाति पाई जाती है, कहां पाई जाती है सहरिया जनजाति, ठीक है ना। तो सहरिया जनजाति राजस्थान में। एक बात बता दे रहा हूं आपके एग्जाम से पहले, रोज शाम में 7 बजे इसी स्पीड के साथ लगा रहूंगा, इसी ऊर्जा के साथ लगा रहूंगा, बस आपका सहयोग चाहिए। फायान कहां का निवासी था, यार देख लो आप लोग, यार थोड़ा शेयर वगैरह कर लो, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्त, थोड़ा सा शेयर। इसका आंसर क्या है, चीन। फायान चाइनीज यात्री था। अगला, राज्यसभा का उपसभापति कौन है बताइएगा। इनमें से राज्यसभा का उपसभापति, सर राज्यसभा के उपसभापति नजमा हेपतुल्ला, सोनिया गांधी तो कभी रही नहीं, गुलाम नबी आजाद ये भी कभी नहीं रहे, पीएम सईद ये भी कहीं नहीं रहे, लेकिन नजमा हेपतुल्ला राज्यसभा की उपसभापति रही है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आप देखो ये क्वेश्चन वो कर पाएगा जिसको ईयर भी याद होगा और उससे रिलेटेड आपके विद्रोह का नाम भी, तो आपके सुमेलित नहीं है चुआड़ विद्रोह, ठीक है ना। आज के कमेंट बॉक्स में लिखना कि चुआड़ विद्रोह हुआ कब था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, बस प्रैक्टिस करो मेरे दोस्त, प्रैक्टिस करो एग्जाम से पहले, आप इसको टेस्ट पेपर समझ के स्क्रीन पे प्रैक्टिस किया करो, मजा आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस घटना को वायसराय लॉर्ड लिटन के समय का नहीं माना गया है। लॉर्ड लिटन,
लॉर्ड लिटन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, या जिसे आप गैगिंग एक्ट भी कहते हो। इसी के समय आर्म्स एक्ट भी लगा था, इसी के समय प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन भी हुआ था। लॉर्ड लिटन को ही आप क्या कहते हो, ओवन मेरेडिथ भी कहते हो, और इसका राइट आंसर है दोस्त बर्मा युद्ध। बाकी सब लॉर्ड लिटन के समय हुआ है, ठीक है ना। अगला, जब बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण के दौरान, एक बात बता दे रहा हूं कि आखिरी में पूरा मॉडर्न इंडिया दोहरवाने वाला हूं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा मॉडर्न इंडिया दोहरा के जाना। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, कृष्णदेव राय, ठीक है ना, कृष्णदेव राय। हाँ, लेकिन इतने स्टूडेंट पे नहीं दोहरवाऊंगा, ठीक है ना। अर्चना प्रजापति जी थोड़ा शेयर कर लीजिए, मैं तो आपका नाम ले ही लूंगा, ठीक है ना अर्चना जी। चलिएगा अगला क्वेश्चन, उड़ीसा के भुवनेश्वर के निकट हाथी गुंफा शिलालेख किस राजा संबंधित है। कुछ लोग रिक्वेस्ट किए कि सर स्पीड को थोड़ा धीमे कर लो, तो मैंने आप लोगों का तो हर रिस्पेक्ट, ठीक है ना, मतलब क्या आदेश है जो मैं मान लेता हूं, लेकिन यार आप भी तो मेरा कोई कोई उदय आदेश मान लिया करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेन सॉन्ग ने निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल के दौरान पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का दौरा किया था। तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का दौरा नरसिंह वर्मन प्रथम के समय। अगला क्वेश्चन, 49 डिग्री पैरलर किन दो देशों के मध्य की परिसीमा है, बताइएगा 49 डिग्री पैरलर किन दो देशों की मध्य की सीमा है। तो इसका आंसर है मेरे भाई यूएसए और कनाडा। अगला, पानी के भीतर सबसे गहरा बिंदु मारियाना ट्रेंच है या निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, ठीक है ना। बिल्कुल ललित जी, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर है मेरे भाई पैसिफिक, ठीक है ना, इसका आंसर क्या है पैसिफिक। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा, सैंड स्टोन किस प्रकार की चट्टान होती है। अब जैसे ही वर्ल्ड जियोग्राफी का सेक्शन आता है हम लोगों के होश उड़ जाते हैं कि यार अब इसका आंसर क्या करें। तो इसका आंसर है मेरे भाई ए ऑप्शन, सेडिमेंट्री रॉक। अगला, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया, बताइएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950। अगला, सरकार के संसदीय रूप के तहत वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कौन करता है, बताइएगा। सरकार के संसदीय रूप के तहत वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करता है प्राइम मिनिस्टर। अगला, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, बताना जरा। अच्छा हाँ, एक बात आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना सर। अरे यार अभी भी एक लोग कह रही है सर स्पीड बहुत ज्यादा है, हमने स्लो कर दिया है स्पीड को। याद रहेगा तो हो जाएगा, नहीं याद रहेगा तो 5 घंटे में भी एक क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन, ठीक है ना, इसका आंसर क्या है सी। मतलब चाहे जितना धीमे पढ़ा दो, लोगों को लगता है कि ऐसे पढ़ाओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी। आपके ऑप्शन है सितार, बी ऑप्शन है पखवाज, सी ऑप्शन है वीड़ा, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आप आंसर करिए, ये हैं आपके 4 ऑप्शन, और फिर मैं 3 बार ऐसे ऐसे टह लूं, और फिर मैं उस बीच में बकैती करूं कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, आपका तो कंपटीशन निकल जाएगा, आप बहुत अच्छा, ये करूं कि तुम लोगों का मतलब टाइम पास करूं यहां खड़ा होकर के मैं। अगर यार ये आंसर आ रहा है तो कितना टाइम लगेगा आंसर करने में, और नहीं आ रहा है तो बजाओ वीणा बैठ के, बजाओ पखवाज, बजाओ सितार, नहीं होना है फिर सॉल्व, ठीक है ना। इसका वैसे राइट आंसर है वीणा। 2-4 सलाहकार हमको मिलते हैं जो बोलते हैं कि ऐसे पढ़ाइए, ठीक है ना। अगला, 1951 में पहले संशोधन में कौन सा अनुसूची जोड़ा गया है, बताइएगा। कौन सा अनुसूची जोड़ा गया है, तो अनुसूची जोड़ा गया है बी, 9th। अगला, लाल किले के निर्माण का श्रेय का अधिकारी कौन है, बताओ। इसमें दू क्या, आधा घंटा दू आंसर करोगे, 8 बजे आके इसका आंसर पूछता हूं, यही करना है क्या। अरे यार हद है यार, डी ऑप्शन शाहजहां। अगला, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, बताइए, ठीक है ना, बताइए डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, ठीक है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे। तो सर डॉक्टर जाकिर हुसैन हुआ करते थे सी, भारत के तीसरे राष्ट्रपति और भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति। अभी तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो ना, तो देख लेना लास्ट में मैं भी आज बिना मॉडर्न इंडिया पढ़ाए भाग लूंगा, समझ रहे हो ना। मत करो शेयर, कोई बात नहीं, मत करो। मैं भी आज जब चला जाऊंगा ना बिना मॉडर्न इंडिया पढ़ाए, तब तुम लोग ये मत कहना कि सर जी आज तो आप 300 क्वेश्चन नहीं पढ़ाए,
क्योंकि मैं अभी तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता रहूंगा, ठीक है, बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन दोस्त मैं भी आज ध्यान दूंगा कि तुम लोग मेरा कितना आज ध्यान दिए हो, ठीक है ना। मैं कहना चाहता हूं कि आज मैक्सिमम स्टूडेंट हो जाए, लेकिन अगर आज आप शेयर करके ये चीज नहीं कर रहे हो तो फिर मैं क्या ही बोलूंगा, ठीक है ना। हिटलर, अगला रवि कीर्ति, जो एक जैन संत थे, उन्होंने ये होल प्रशस्ति की रचना की, वो किसका संरक्षण प्राप्त था, तो रवि कीर्ति को पुलकेसिन द्वितीय का। अगला, जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई थी, नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई थी, राजा भैया इसका आंसर है डी मंसूर को। अगला, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था, बताइएगा, दो महात्मा कहा था, तो यह कहा था आपके सरोजनी नायडू जी ने, ठीक है, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया, इसी में आपके सबसे कम उम्र के भारतीय क्रांतिकारी आपके खुदीराम बोस जी को फांसी चढ़ी, प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली, वैसे इसका राइट आंसर है 1908 मुजफ्फरपुर बम कांड, ठीक है ना, जिसमें किंग्सफोर्ड नाम के जज के ऊपर बम फेंकने की कोशिश किया था प्रफुल्ल चाकी जी और आपके खुदीराम बोस जी ने। अगला, हेड गेवार को ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना की थी, बताइएगा, वैसे ही अड्डा भी करता है, हाँ वैसे ही अड्डा करता है, ठीक है ठीक है ठीक है ना, वैसे ही अड्डा करता है, तो इसका राइट आंसर है डी 1925। नहीं अब मैं कुछ कहूंगा ही नहीं, शेयर करो ना करो अब मैं नहीं कहूंगा, ठीक है ना, बस मैं इतना ही कहूंगा, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था, बताइएगा, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था, अजात शत्रु के वंश का नाम था बी हर्यक वंश। अगला, किस राज्य सरकार ने भारतीय संविधान के एक ब्रेल संस्करण का अनावरण किया है, ठीक है ना, ब्रेल संस्करण का अनावरण, तो उसका आंसर है मेरे भाई डी महाराष्ट्र। अगला, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था, तो अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था बी ऑप्शन डलहौजी के समय, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन आइकन अ कल्ट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा है, करेंट अफेयर है ये, ठीक है ना, सर आप तेज पढ़ाओ थोड़ा, हाँ अब लो, अब कुछ लोग कह रहे तेज पढ़ाओ, कुछ लोग कह रहे धीमे पढ़ाओ।